What's up guys? Finally episode 5 आ चुका है बीबी की वाइंस चैनल पर. भुवन भाई मजा आ गया इस वेब सीरीज में, अलग ही सच में ढिंढोरा सही ट्विस्ट एंड टर्न्स है ना इसमें. तो लास्ट टाइम जो लास्ट एपिसोड 4 जो था उसमें हम वहां रह गए थे जहां टीटू मामा के फेस पे से मास्क था. पता चलता है कि कौन था टीटू मामा, कौन था टीटू मामा, नहीं मतलब पता चला मास्क के पीछे कौन था. तो अब साथ में एंजॉय करते हैं. ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. एपिसोड 5 है, इरेक्शन इन प्रोग्रेस. ओ भाई साहब ये भी खतरनाक होने वाला है. तो आगे स्टोरी देखते भाई. आज फिर सस्पेंस में छूटेंगे मुझे लग रहा है. लास्ट में फिर कोई नया सस्पेंस मिलने वाला है. तो रेडी 1 2 3 गो गाइस. वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब. This one's for you. आई बाबा मेरे पैसे कब देगा टीटू? मुझे तो लगा वो गिफ्ट था. पैसा कभी तोहफा नहीं होता और पलंग कभी सोफा नहीं होता. आपने जो वादे किए हैं उससे तो इस सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो जाएगा. लिफ्ट लगा दोगे? लिफ्ट लगा दोगे? लिफ्ट की बात चल रही है. यहां पे एक्सीडेंट हुआ था आपने देखा था? मुझे पता है किसने किया. किसने वेंच ये 20 दूर भागता रहता था ना. टीटू मामा ही मांगता था 20 रुपए. टीटू मामा ही 20 रुपए. नहीं, उसने तो बताया था कि वो था. वो बताया था ना उसको. शॉट बहुत मस्त लिया हुआ है वाला. हेलो, हाँ लखन. नहीं मैं किसी काम से दिल्ली आया था. अरे मैं भाग नहीं रहा हूँ, लौटा दूंगा तेरे पैसे. तुझे इग्नोर कैसे करूंगा? कौन से बात करते करते वाला है? क्या ठंडी के बच्चे क्या? अच्छा गाली देख, देख गाली देने की ऐसी कोई बात है नहीं. मैं बस थोड़ा काम में उलझा हुआ हूँ. हाँ बात करता हूँ बाद में. ओके. हाँ कविता. अरे नहीं यार किसी काम में फंसा हुआ. तुम बताओ. सामने देख नहीं रहा ना. अच्छा मेरे होते हुए ऐसा गिफ्ट कितना बड़ा है? 10 इंच मतलब सीधा पेट तक. अरे क्या करोगी इतने बड़े नेकलेस का? कर दिया काम. अरे बाप रे जीजा जी, ये मैंने क्या कर दिया. चल भाग टीटू. खुद ही ठोका था. अभी गाड़ी से निकला तो ये लोग को बिना सुने मारेंगे. दीदी को बाद में समझा दूंगा. सॉरी दीदी. तो ये हुआ था. अच्छा ये पूरी कहानी क्या सुनूं? मेरी बात. तूने मेरा मंगलसूत्र उजाड़ने की कोशिश करी. अरे मैंने तुम्हारा मंगलसूत्र देखा भी नहीं सच्ची. तूने मेरा सुहाग छीनने की कोशिश करी. दीदी मैं तुम्हारा स्वैग कैसे छीन सकता हूँ? अरे सुहाग तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा. अरे बोलो ना दीदी. चाय एक मेरी भी. अरे वो बात जरूरी बात का जवाब दो ना. तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? मुझे जैसे ही पता लगा कि हमें लॉटरी लगी है तूने अपने जीजा जी को मारने की साजिश करी. दीदी मुझे लॉटरी के बारे में तो आज पता चला. जब तू छोटा सा था तो तेरे हर छोटे ख्वाब में पूरे करती थी. बाजार जाके इसके लिए खिलौने लेके आती थी. अपने कान खुजा सके इसीलिए अपनी गुड़िया की टांग काट के इसको देती थी. गुड़िया की टांग उतरा दे इसीलिए अपना पल्लू बिछा के उस पे इसको सुलाती थी. जब ये बड़ा हुआ तो इसके कमरे के बाहर पहरा देती थी ताकि ये चैन से फैलकर आराम से योगा कर सके. याद है उस दिन मैं तेरे कमरे में आई थी तू चादर के नीचे शवासन कर रहा था. इसके कमरे में घुसते ही फिसल जाती थी. सब भूल गया. घर में खाने को दही नहीं होता था लेकिन रोज फर्श से साफ करती थी. अरे चुप. क्या चुप? आज इस रिश्ते में दरार आ गई है टीटू. दीदी ये रिश्ता है इस देश की सड़कें. मत बुला मुझे बहना. पॉइंट बढ़िया था ये भी. निकल जा मेरे घर से और आज के बाद मुझे खूनी चेहरा मत दिखाइयो. खूनी चेहरा आज से ना मैं तेरी बहना ना तू मेरा टीटू. तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी. तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी. सोचा नहीं था गया भाई. फोटो में भी क्रैक आ गया ना फोटो गिरने. कैसे दिखाता है ऊपर वाला. खैर
बेटा इन डिब्बों को भी बाकी तोहफों के साथ अंदर रख दे और आप आज जल्दी सो जाना। क्यों? कल हमारे एरिया के नए शौचालय का उद्घाटन है। क्या? तो इनको रिबन काट के टट्टी करने के लिए बुलाया है। लॉटरी का आता पता ही नहीं है। टिकट पापा लॉटरी का। भाभी जी, भाभी जी आइए आइए। राम भाभी राम। करोड़पति कहाँ है? सोनी पे। अरे नहीं, करोड़पति कहाँ है? हमारे करोड़पति। बबलू जी, बबलू जी आइए आइए। क्या हो गया? अरे बाहर तो आइए एक बार। आइए बबलू जी आ गए भाई। बबलू जी आ गए। ओहो, अरे बबलू जी ले भाई सब जो उठते ही सारे कुछ। एक एक खिड़की से संभलिए संभलिए। बस 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 बस। आप सब लोग जानते हैं आज का ये पल कितना बड़ा ऐतिहासिक पल है। बबलू जी, पूरी कॉलोनी को आप पर नाज है। आपको चंद्रयान दो या अरे यार पीछे से पकड़ो, पीछे से। संभलिए, आपको चंद्रयान। इतने सारे जी जी। तो आपको लॉटरी लगना हम सब लोगों के लिए चंद्रयान दो के समान है। पूरी सोसाइटी के पट्टे खुल गए, कुत्ते फेल हो गए। हैशटैग रिच लाइफस्टाइल डाल रहे हैं। रिच लाइफस्टाइल जेडी पर आ गए। जेडी जैक डेनियल पर। जो गहने लॉकर में छिपा कर रखे थे अपनी ननद के डर से, वो उन्हें आज पहन कर शान से घूम रही है। क्यों बताइए? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि बढ़िया दिन आ गए, इनकी जिंदगी बदलने वाली है। और कैसे कैसे बदलने वाली है? कैसे कैसे? क्योंकि आप करेंगे इन सब लोगों का भला। मैं कैसे? उदारता के कारण हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। हम बनाएंगे आपका बबलू पुतला। पुतला? तो जीपीएस ट्रैकर है ना, उस पे नाम लेते वक्त स्पेलिंग सही लिखना, कहीं बबलू का बबले ना हो जाए। अरे भाई हमारे चहीते का पुतला लाओ, लाओ भाई। पुतला भी लिया है। भाई साहब, जीपीएस ट्रैकर। आओ फोटो हो जाए। क्या ही? आई लाइक दिस गाय। और एक स्माइल बैच कीजिए इससे। और ऐसे हाथ में लॉटरी पकड़िए। इसको कहाँ रखेंगे, बेंच पे? अरे नहीं, ये तो छोटा है, फर्स्ट ड्राफ्ट है। फाइनल ड्राफ्ट तो बहुत बड़ा होगा, इतना ऊंचा होगा, इतना ऊंचा होगा कि कोई तबीयत से भी पत्थर उछाले ना तो ज्यादा से ज्यादा शायद आपके गोटे छू जाए। तीन गोटे बेंच। लेकिन हमने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। अरे ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आप सिर्फ वादा कर दो, कर दो वादा, बस वादा कर दो। हमें मंजूर है। अरे भाभी जी को मंजूर है। नाचो भाई, नाचो नाचो। वो समीर के अलग ही मजे चल रहे हैं। समीर के अलग ही नशे। अभी तो आई भी नहीं है लॉटरी का कुछ अता पता नहीं है। इन्होंने ये भी कर दो, वो भी कर दो, फिर से डेट पर ना। क्या हुआ भुवन, कब से चुप बैठे हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओके। अरे बहरा थोड़ी ना हूँ, सुनाई देता हूँ। पापा का कुछ समझ नहीं आ रहा है। He'll be fine. ऐसे केसेस में टाइम इज क्रूशियल। सी बात तो नहीं, टिकट। ये मेमोरी लॉस के केसेस में कितने टाइम तक मेमोरी चली जाती है? डिपेंड करता है, कई केसेस में कुछ साल पुरानी, कईयों में रीसेंट मेमोरी। अभी पीछे ही हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया था जिसको अपनी बीवी के अलावा सब याद था। क्या? बीवी के अलावा सब याद। He'll be fine. अंकल ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। कैसे ना लूं टेंशन? घर में इतने सारे पैसे आ रहे हैं, इसके बारे में पूरे इलाके में पता है, और सब लोग पापा की याददाश्त के पीछे पड़े। और आज तो पापा ने मम्मी को बहन जी बोल दिया। बहन जी? तुम कब जा रही हो? इनविटेशन लेटर आते अप्लाई तो कर दिया मैंने। तुम्हारे म्यूजिक स्कूल का क्या? एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसका रिप्लाई आएगा तो देखेंगे। So you're passionate about music. What's your taste? पास्ता जॉन कर गया मेरा। एडन जॉन, जॉन मेयर, यूट्यूब, गुलाम अली, मेहंदी हसन साहब, जगजीत सिंह। जब मैं उदास होता हूँ तो मैं कुमार सानू सुनता हूँ, जब मैं खुश होता हूँ तो मैं ब्रूनो मार्स सुनता हूँ, और जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो लकी अली। ऐसा कोई मेरा लकी अली? बहुत अच्छी लकी अली। म्यूजिक स्कूल जाऊं ना जाऊं, एक दिन जाऊंगा ना ये सोच के मैं जी लेता हूं।
जाओगे पक्का। डेट वाला सीन मस्त बनाते हैं हर बार, बहुत ही स्वीट सा रहता है, फनी भी होता है स्वीट भी। टीटू मामा अलग ही वो चल रहे हैं। जी कहाँ से आ गए? क्या हुआ मामा जी, आपने हमें मैसेज करके क्यों बुलाया? अच्छा, दीदी और भांजे दोनों को लगता है कि मैंने जानबूझ के जीजा जी को उड़ाया, तुम्हें भी ये लगता है? सबको लगता है पापा को टीटू मामा ने उड़ाया। तुम्हें क्या लगता है? हम तो आपकी टीम में बैच हूं। यही तो जिम्बाब्वे की टीम लग रही है ये। सारे फालतू प्लेयर भाई साहब। पांच एमएल पश्चात आपके। तुम्हें पता है जब दीदी की शादी हो गई थी ना केजरीवाल के साथ, लेकिन मुझे छोड़ने रोज जाती थी। इमोशनल हो रहा है भाई। वो तो जब मैंने साइंस के टीचर को चाकू मारा और भागा तो किसने बचाया? दीदी ने। दीदी ने मुझसे ग्रेविटी का एग्जांपल पूछ रहा था, मैंने चाकू मार दिया आते बाहर। एक पैसा टाइम बना बे। वही दीदी आज मुझे खूनी समझ रही है। That same brother of mine thinks मैं खूनी हूँ। क्या हूँ? खूनी। खूनी हूँ मैं? खूनी हूँ। मैं तो आपको सेंटेंस कंप्लीट कर रहा था ना मैच। फिर ठीक है। मतलब आप स्कूल के दिनों पे डेयरिंग थे। सिर्फ मेरे हक के पैसे के लिए वसूली करता हूँ मैं। और वैसे भी जमाना चेंज हो गया है, सब कुछ आजकल फोन पे हो जाता है, वो थप्पड़ और गांड जाके मारनी पड़ती है। जिस तरह मामा उनको समझा रहे थे, उनकी बातों से लग रहा था कि कुछ और भी है जो हमें नहीं पता। Then talk to him. अंगूठी नहीं चाहिए मदरचोद। अंगूठी आ रही है। Dude, it really works. Indeed, dude, ले ले। सो गए। टीटू मामा sleeping. तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, सोचा नहीं था ला 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 ला। ओ दीदी ला 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 ला। तुम यहाँ 5 मिनट रुकोगे प्लीज? मैं अभी आता हूँ। तुम मुझसे रूठ। अच्छा इसी बार में फोन भी निकल गया। और आवाज देख टीटू की आवाज वाली है ना। सुन बे स्कूल में मैं पेंपिला रहा उसको पकड़। थकत करे तुमने क्या बात है? तुमने चर को भी यही लगा के बाप के साइन थे, बाप के साइन थे। बंद करे अपने क्योंकि मेरे नहीं पहुंचे, बचपन में साफ करके मेरी छीछी छीछी। हाथ कर देने तुमने नहीं पहुंचे अपने। वहां वो अंगूठी पहनाने की कोशिश कर रहा है उसको दारू पिला पिला के। सोचा नहीं था, सोचा नहीं था, सोचा नहीं था, सोचा नहीं था, सोचा नहीं। मामा भांजे मॉल वर्ल्ड हाँ मॉल। बैठ बैठ बैठ। नहीं नहीं बैठो 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 बैठो। अच्छा आप बैठ, तू बैठा ही क्या लेगा भांजे? मैं नहीं पीता मामा। वेरी गुड, दिस इज पॉइजन बेटा। पॉइजन खुद भी। दिस इज फॉर अंडर कॉन्फिडेंट पीपल टू मेक देम लुक ओवर कॉन्फिडेंट। है मेरा पैसा अंडर कॉन्फिडेंट बेटा। मैंने कभी अपने परिवार वालों का बुरा नहीं सोचा। जीजा जी को मैंने जानबूझ के नहीं उड़ाया। वो मेरी गाड़ी के आगे अचानक कैसे आ गए मुझे नहीं पता। किसी ने धक्का तो नहीं मारा? हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं बेटा नहीं, कुछ चीजें अपनी स्पीड में होनी चाहिए, दुनिया के हिसाब से गाड़ी वाले की, यानी कि मेरी गलती है। इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेते। समथिंग नीड टू हैव देयर ओन पेस। आई लर्नड इट फ्रॉम कविता व्हेन आई वाज इनसाइडर। Go slow. समीर को देख। Build a momentum. लिख रहा है। आहिस्ता, आहिस्ता। Build your momentum. मैंने यहाँ पे शक किया। मैं आपकी टीम में हूँ अब। Yes, share. Share थम्प। कंपनी 2011 की इंडियन क्रिकेट टीम। मैं यूँ। आशीष नेहरा। पर पता कैसे चलेगा किसने किया?
अरे हाँ, वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था क्या? केजरीवाल कर क्या रहा? शीशी क्या केजरीवाल कर क्या रहा? क्या अच्छा आगे यहाँ पर भी मुझे पता है तुम्हारे पिताजी गाड़ी के आगे कैसे कूदे। कैसे? 20 रुपए दोगी तो एक ग्लास की बात बताऊं? ऐसे ठीक सामने खंबा है जो कि बहुत लंबा है, उसको जिसमें सब कुछ कैद हो चुका है। हैप्पी बर्थडे सुनाना, यू लुक रैविशिंग इन रेड। ओ दैट्स ऑल फॉर सर ड्रिंक्स ऑन मी टुनाइट। तो फिर ओह माय गॉड, देख लीजिए नहीं मिलेगी। क्यों रही नहीं है? 20 रुपए दोगे तो मुंह में डाल के उसको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। मेरे फोन में कब भेजे? मैं झूठ बोल रहा। नेहा के नीचे वाला मैसेज मेरा ही है, सुना है ना? जल्दी ना फॉर यू क्विंग बेबी बेबी, जल्दी ना फॉर यू क्विंग बेबी। 20 रुपए वेस्ट हो गए, गुल्लक भर दिया उसका। अरे उसने बोला नेहा से नीचे वाला मैसेज मेरा ही है। ये देखिए, देख यहाँ पे कोई मास्क वाला है क्या? पीछे कर, पीछे कर। हाँ यार ये दिखाओ, धक्का मार रहा है, धक्का मार रहा है, धक्का मार रहा है किसी ने। होला ए बेटा, कॉमन स्टार्स ग्रासिया से होला। अरे मामा होला होला, पक्का होला होला ही है। होला है हाँ हाँ, देख सिर वो है ना, इतना धक्का हुआ है। इसे मैं ही समेटूंगा, तुम दोनों चलो मेरे साथ। होला ही बेटा, चारों एक साथ जाएंगे वीएफएक्स करने में, गांड फट जाएगी। चार ऐसा जाएंगे VFX करने ऑफ द स्क्रिप्ट। ये रहा होला, ये बहुत बढ़िया था यार। देखिए होला सर, होला ये VFX वाला बहुत ही होता है। अरे अरे यार, अब पता है, अब मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि वीडियो छोटी थी, क्योंकि वीडियो लंबी क्यों नहीं बना रहे वो मैंने सुन लिया था। हाँ, वो ने एंगेजिंग रहना चाहिए। तो कई लोग पॉज कर देते, ये बहुत अच्छी बात करी। कई बार बहुत लंबी वीडियो होती है तो कई बार क्या होता है, आधी थोड़ी देखिए, अभी थोड़ी रात को थोड़ी कल मोमेंटम करा हो जाता है। और ये एपिसोड में सस्पेंस रहता है, अगले हफ्ते का वेट रहे। प्लस एक तो ये जो लास्ट में डायलॉग मारा ना, अरे चारों जाएंगे तो VFX में बहुत ज्यादा ऐसी हो जाएगी हरकत, वो FBFX में एडिटिंग बहुत चलती है ना। प्लस यार मेरे को तो लग रहा था होला को माफ कर दिया, होला की गलती नहीं थी क्योंकि वो चला गया था। और जिस तरीके से वो बातें करके, जिस तरीके से बातें करके गया था, उस तरीके से, क्योंकि होला को बताया था ना टिकट मिल गई, वो लॉटरी लगी, तो वो भाई साहब दिमाग का बुद्धि लगा के आगे गाड़ी खड़ी करके उसने मारा है। अब भाई साहब होला को कैसे पकड़ेंगे? क्या टिकट उसके पास है यार? नहीं है टिकट, तो उसने अपने माथे में लगाई थी ना शायद से, याद है माथे में रखी थी और उसका मफलर खुला भी नहीं था। बहुत सस्पेंस में एक और पार्ट एंड हुआ है। और प्लस टीटू मामा पर सच में बहुत ही इमोशनल, दिल से भाई जब बुरा लग रहा था जब वो गाना गा रहे थे ना वहाँ पर, और पीछे क्राउड, पता है हंसी तो आ रही थी पर बुरा भी लग रहा थी दी। और मुझे अच्छा ही लगा कि जो गाना था ना वो ऐसे नहीं है कि किसी सिंगर या उससे रिकॉर्ड करा है, खुद ही टीटू मामा की आवाज में, टीटू मामा की ही आवाज में गाना रिकॉर्ड हुआ है। प्लस जो क्राउड पीछे से फोन निकाल के लगती है वहाँ पर, वो डेट वाला सीन को बड़ा प्यार लगता है, बहुत ही स्वीटली बनाता है। भुवन वो कि मैं समझा, वो कहती है ना भुवन, कहता मैं समझा नहीं, लेकिन बहुत एफर्ट लगता है शौचालय का, वो है रिबन काटने के, तेरे पापा को जाके फिर टट्टी करनी है, टट्टी भाई साहब रिबन काट के टट्टी भी करवाई। ये होता है बिल्कुल, मतलब दिमाग का 100% इस्तेमाल, प्लस उसके साथ अपनी डेडिकेशन, अपनी नहीं कितनी बारीकी थी, जो औरतों ने अपनी ननंद के डर से अपने गहने लॉकर में, और बच्चे क्या इंस्टाग्राम पे हैशटैग रिच लाइफ, और वो बढ़िया था, सबने अपने पट्टे खोल दिए हैं, कुत्ते फेल हो चुके हैं, सभी कुत्ते फेल हो चुके हैं भाई। बहुत चुन चुन के डायलॉग से वो कैसे मोह तरोड़ थे, मजेदार थी और बहुत मेहनत लगती है यार, क्योंकि सबका कैरेक्टर प्ले करना। और ये फिर कैसा लग रहा है जिम्बाब्वे की टीम में, सब खिलाड़ी ही सारे यूजलेस है जिम्बाब्वे। फिर बाद में फिर क्या बोलते हैं उनकी टीम में भुवन भी हो गया ये लास्ट में। अब मिस्टर होला
कि दही टूटे एक वो बढ़िया है 20 रुपए लेता है पिछले उसमें 100 दिए कैसे कूदे यहाँ से उठ के ऐसे कूदे ओ भाई वो 20 रुपए वाले कैरेक्टर ही मस्त बना रहा है 20 रुपए लेता है छोटा सा रोल है उसका बट बहुत मस्त है उसका बताने को वो एक ही बार में सबको बता दे नहीं 20 रुपए गुल्लक भरवा के साले का गुल्लक भर दिया तो चेक कर नेहा के मैसेज से नीचे मेरा ही मैसेज है भाई बहुत ही ताबड़तोड़ सीरीज है ये ढिंडोरा अभी तो एपिसोड 5 पर हम तो ये देखना कि कितना वो लगता होगा वो विंडो में देखना था तीनों को ठीक है पहले इस गेटअप में झांका होगा फिर एकदम चेंज करके फिर दूसरे गेटअप में विंडो से झांका जहाँ वो पड़ोसी आ गए थे ऐसे मतलब यार कितना छोटे छोटे भैया स्वाद दिला रहे भाई यार मतलब कि ये अभी तो एपिसोड 5 पे आया है तो ये देखो ना यहाँ तक हर एपिसोड में सस्पेंस 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 अभी तो और मुझे लग रहा है कि जब तक ये सीरीज एंड होगी लास्ट तक कितना खर्चा हो चुका होगा क्यों ये भी बनवा दिया उसकी मम्मी ने वो भी बनवा दिया एकदम पीट सब पीट के सबको और वो कह रहे उस याददाश्त नहीं आई है उनकी लेकिन उनसे सब कुछ चल रहा है वहां पर वो अच्छा था ना पंचलाइन दीदी एक चाय मेरी भी बहन जी बोलती है आई एम श्योर आपको देख के एपिसोड बड़ा मजा आएगा गाइस तो लाइक करना मत भूलना यार कमेंट करके बताना बेस्ट पंचलाइन आपको कौन सी लगी कमेंट करके बताना क्या लगता है मतलब सच में उसने मारा होगा लेकिन वो टिकट कहाँ है टिकट कैसे लियो क्योंकि मार के भाग गया था वो तो कुछ तो गड़बड़ है यार कुछ तो बाकी बहुत इंटरेस्टिंग थी तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसी वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहेंगे और आप कमेंट करके और वीडियोस भी सजेस्ट कर सकते हो टिल देन बाय हैव अ गुड डे टेक केयर